हेलो गाइस, मैं रुखसार सन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिव्यू रिएक्शन यूट्यूब पे। खान सर की वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो पर देखते हैं, वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, पृथ्वी घूमे कुछ करे टुकुर टुकुर देख रहा है। भाई इधर कहाँ हो इमरान भाई, इसका निगरानी मत लीजिएगा वरना पता चला जम्मू कश्मीर में निगरानी रखा और फिर 84 मिनट बाद आएगा जम्मू कश्मीर। अमेरिका गलती किया था भारत पे निगरानी के लिए, ध्रुव ही छोड़ दिया था। अरे बकलोलवा, ये उपग्रह जो होते हैं भू स्थितिक उपग्रह, इन्हें जियो सिंक्रोनस कहते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भू स्थित, क्या कहेंगे, भू स्थितिक। इसे छोड़ने के लिए जीएसएलवी रॉकेट, ये इसकी जो ऊंचाई होती है ये बहुत कम होती है, जबकि इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर कैसा होता है, 36,000 किलोमीटर होता है, समझ सकते हैं कितना होता है, 36,000 किलोमीटर। अब ज्यादा दूर पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी घट जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी घट जाएगा 3.14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3.14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, समझ में आ गया कि नहीं। ज्यादा दूर जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको कोड़िए चाल में बताए भी थे, सिकोड़ लीजिए स्पीड बढ़ जाए, हाथ फैला दीजिए स्पीड घट जाए। इस ससुर पासे में 900 किलोमीटर पे है तो इसका स्पीड ज्यादा, 36,000 किलोमीटर पे है तो कोढ़िया ऐसा घूमते हैं कितना स्पीड में, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3.14 क्या होता है, पाई, 3.14 पाई होता है प्रति सेकंड, समझ में आ गया कि नहीं। अब बताइए जब धीमा घूमेगा तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में इसको समय लगेगा। अब इसकी समस्या समझिए, इस ससुरा तेज भी घूम रहा था और कम दूरी भी चल रहा था। ई है ससुरा कोढ़िया, जाना है 36,000 किलोमीटर, तब तो हो गया। देहात में कहते हैं खरवा खाद पनिया पियन, सुनेगी नहीं, आराम आराम से जा रहे हैं। तो इनके चक्कर लगाने में बहुत समय लगेगा, तो इनका जो पीरियड टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा, कितना घंटा, 24 घंटा होता है, कितना घंटा। अब समस्या यही चालू हो गई, अरे भाई आप पृथ्वी का चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं कितना घंटा में, 24। पृथ्वी भी चक्कर लगा देती है 24 घंटा में, तो यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है ये भी घूम रहा है, चलो भाई हम भी चलते हैं, चलो हम भी। तो एक घूम ले ना घूम ले कोई फायदा होता है, यानी अगर इसे पटना शहर के ऊपर छोड़े हैं ना तो जैसे जैसे पटना घूमेगा ये भी घूमेगा, समझ में आ गया। जैसे जैसे क्योंकि पृथ्वी कितना देर में घूम रही है, 24, आईओ कितना देर में, 24। यानी अगर इसे पहली बार जिस शहर के ऊपर छोड़ा जाता है उसी शहर के ऊपर ये जिंदगी भर रह जाता है, क्योंकि पृथ्वी कितना देर में, 24 घंटे। अयो ससुरा, इसको कश्मीर के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, जिंदगी भर किसको देखेगा, क्योंकि पूरा पृथ्वी 24 घंटा में चक्कर लगा रही है, ई भी 24 घंटा में चक्कर लगा रहा है, ई भी 24, समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए हमारा मुंह पृथ्वी है, ये उपग्रह, ये उपग्रह, हमारा हाथ क्या है, उपग्रह। अब देखिए हमारा, हमको लगाना है 24 घंटा में चक्कर, हाथों को लगाना है 24 घंटा में। अभी ये मेरे माथा पे देख रहा है, सपोज कीजिए किस पे देख रहा है, माथा, लीलार बोलते हैं इसको, हाँ वही माथा पे क्या हो रहा है, देख रहा है। अब देखिए 24 घंटा में हम भी चक्कर लगाएंगे, आई उपग्रह हवा को देखिए, यो ससुरा हमारे चक्कर लगा रहा है, जिंदगी भर ये हमारे माथे पे देखते रह जाएगा, समझ में आ गया। इसलिए इस ग्रह का, उपग्रह का काम निगरानी के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, पृथ्वी घूमे कुछ करे टुकुर टुकुर देख रहा है। रे भाई इधर कहाँ हो इमरान भाई, समझ में गया कि नहीं। मेरे चाचा के साथ बहुत बदतमीजी किया गया, समझ में गया कि नहीं, उसका गटई ढकेल के बेचारा को कर दिया सब। बताइए जो अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकता वो हम भारतीयों को क्या समझेगा, समझ में गया कि नहीं। उसके दिमाग में बैठा है कि भारत के लोग गंदे लोग हैं, कभी कभी हम सोचते हैं फिर कहते हैं कि ना, ये सब फेमस होने का ना एक साइड इफेक्ट है, दिल का भड़ास आप नहीं निकाल सकते, नहीं तो पूरी दुनिया कहेगी देखो खान सर कौन चीज बोल दिया, नहीं तो हमरा ऐसा सुनाए कि ओकरे कान में कैंसर हो जाए, दहिने कान से सुने दहिना कान कामे करना बंद कर दे एकदम यहाँ पे। बताइए सच्चाई, हम लोग गलत लोग हैं। अरे ससुरा, बाप को कौन गलत बोलता है, हम ही लोग ने उसको पैदा किए, बाप को कौन गलत बोलता है यहाँ पे। दादा का आधार कार्ड बना होता तो नीचे भारत लिखा होता,
पाकिस्तान में अगर आधार कार्ड सिस्टम आजादी से पहले आया रहता इन चोटों के दादा के नाम पर भारत लिखा रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम बात करता है तो समझ में आ गया। भू स्थिति उग्रह जहां रहता है वही निगरानी करता है। तो निगरानी के काम में क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर 24 घंटा में लगाता है, यानी हमेशा पृथ्वी के साथ साथ चलता है। पृथ्वी चलेगी जितना रफ्तार से वो चलेगा, पृथ्वी जाएगी 24 घंटा भी। अरे वाह वाह वाह, पाकिस्तान बॉर्डर हम भी देखते चलते हैं। तो निगरानी के काम में इसका निगरानी मत लीजिएगा, वरना पता चला जम्मू कश्मीर में निगरानी रखा और फिर 84 मिनट बाद आएगा जम्मू कश्मीर पे, डेढ़ घंटा बाद घूम के आएगा वहां पे। डेढ़ घंटा में तो दुनिया बदल जाएगी जी, नहीं समझ में आया? ट्रैक कर लेगा उसके, गया सेटेलाइट चल गया, डेढ़ घंटा बाद आएगा। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा भारत के लोगों को प्रेम बांट के आए। अमेरिका गलती किया था भारत पे निगरानी के लिए, ध्रुव ही छोड़ दिया था। अरे बकलोलवा, फाउंडेशन बैच कर ये वाला छोड़ना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? जीएसएल भी छोड़ना चाहिए। तो बकलोलवा कौन सी छोड़ दिया था? पीएसएल। ये ध्रुवी रॉकेट छोड़ दिया, ध्रुवी उपग्रह छोड़ा था, छोड़ना कौन चाहिए? तो निगरानी के लिए, टेलीफोन रेडियो टीवी के लिए भूस्त एकरा दीजिएगा। पटना में नेटवर्क बांटा, फिर कहेगा डेढ़ घंटा बाद आते हैं, तो डेढ़ घंटा नेटवर्क के काम नहीं कर रहे यार, बार नेटवर्क छोड़ दिया, हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये 84 मिनट बाद लौट के आता है और ये पृथ्वी के साथे साथे चक्कर लगाता है। 24 घंटा बाद लौट के आता है, जब तक पृथ्वी भी 24 घंटा बाद वहीं लौट के आ जाती है। तो दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन किससे होता है? भू स्थित, हमेशा वहीं छोड़ते रहता है। समझ में आ गया? इस जो डेढ़ डेढ़ घंटा का नेटवर्क फ्लक्चुएट। वीडियो ही खत्म, जो खान साहब ने बातें की वो बता रहे थे GSLV और उसके बाद PSLV, मतलब उन्होंने ये भी बात की कि अमेरिका ने ये किया था इंडिया पर नज़र रखने के लिए, लेकिन इतना बड़ा मुल्क था, मैं तो ये सुनकर हैरान हो रहा था कि उन्होंने मिस्टेक कर दी कि उन्होंने PSLV भेजा GSLV की बजाय। ये एक होता है जियो सिंक्रोनाइजेशन, की जिस तरह ज़मीन चलती है उस स्पीड के साथ ये GSLV चलता है। हमें जब पढ़ाया गया तो उसको कहा गया था जियो पोजिशनिंग या जियो स्टेटिक सैटेलाइट से, मतलब ये सैटेलाइट्स होती हैं जो स्पीड पकड़ती है ना, ज़मीन की स्पीड होती है उस स्पीड से चलता है। तो मैं अमेरिका की यार इस बात से खान से थोड़ा सा चौंका हूँ कि अमेरिका तो एक इतना मतलब समझ लें कि वर्ल्ड वाइड कंट्री है, IT के लिहाज से बहुत अच्छा है, और उन्होंने ये चीज़ें कहीं वो इस तरह की मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? मैं ये सोच कर सुनकर हैरान था, शायद मुझे सुनने में गलती लगी होगी। खैर, बात जो सबसे मेन थी ना वो थी पाकिस्तान इंडिया बाप बेटे की, एक बाप बेटे की थी और एक इसी GSLV का ही था कि ये पाकिस्तान को देखने के लिए इंडिया ने लॉन्च करे, तो वो मतलब कि ना 24 घंटे ही पाकिस्तान पर नज़र रख सकता है। तो बात करेंगे बाप बेटे पर। अच्छा, इस पर बड़ी इस बात की समझ नहीं आती, जो भी बोलता है वो बोलता है कि इंडिया बाप है और पाकिस्तान इंडिया अपने आप को पाकिस्तान। ये तो पढ़े लिखे बंदे भी बोल रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बाप बेटे का चक्कर है। एक मुल्क है जिससे एक दूसरा मुल्क आज़ाद हुआ है, बस यही बात है। क्योंकि इंडिया एक मुल्क था बड़ा जिससे पाकिस्तान ने अलग हुआ, अलहदा हो के पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया ना, इसमें बेटे का चक्कर है ना बाप का चक्कर है। खान सर इस्लाम खान सर इंडिया के बतौर एशिया के नंबर वन टीचर हैं, ये वाकई नंबर वन टीचर हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि बाप बेटा जो है ना अपनी इमेज इंडिया में अच्छी करने के लिए और फेमस होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है। यार बाप का से कोई आप कोई इसके पास सबूत है? ये तो सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से पहले उनके मैं बताता हूँ बाप बेटे कैसे है। उनके मुताबिक ये मैं भी मानता हूँ कि जो मेरे दादा थे ना उनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1934 में होती, जब पाकिस्तान आज़ाद अलहदा नहीं हुआ था। चले मैं तो मानता हूँ, तो उनके आई डी कार्ड पर यही लिखा होगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था, तो उनका अगर आईडी कार्ड उस वक्त बना होता 1947 से पहले का तो ज़रूर उस वक्त हिंदुस्तान या इंडिया लिखा होता। तो ज़ाहिरी बात है ये तो होना ही था ना, तो वो भी इसी चीज़ को कंपेयर कर गलत कर रहे हैं, वो ठीक कंपेयर इसके साथ नहीं कर रहे, ये वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखें आप जिस मुल्क में रहेंगे आपका आईडी कार्ड होगा आप उसके ही होंगे ना, आपकी नेशनैलिटी मिलेगी। अब देखिए कि हमारे यहाँ से जाते हैं दूसरे बैरूनी मुल्क में तो उनको काफ़ी अर्सा रहने के बाद वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाती है,
जिस मुल्क में बंदा रहेगा उसकी मिलेगी ना। अब इंडिया की सारी बात, हम इधर रहते थे तो हमारे जो बड़े उनको इंडिया की मिलनी थी ना, तो ये इस बात से मैं नहीं हूँ। ये तो हमारे बाप दादा हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के साथ ना, अभी भी हिंदुस्तान ही है ये, मतलब कब पाकिस्तान बन गया है ना, लेकिन जो है तो वो बात ठीक कर रहे हैं, बाप बेटे हैं ना। अब बाप बेटा नहीं, इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया का बाप पाकिस्तान है। अच्छा, कहने से मान नहीं सकता। ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पहले 3-4 साल कुछ अरसा 15 अगस्त इकट्ठे मनाते थे, ये आपको पता है? नहीं। हाँ ये बाबा ये पता है, 15 अगस्त या इंडिया और पाकिस्तान एक दिन ही मनाते थे, फिर पाकिस्तानियों का हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट करने के चक्कर में उन्होंने 14 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया। और कई पाकिस्तानी ये लॉजिक देते हैं कि बाप से पहले बेटा कैसे पैदा हो सकता है, यानी कि ये कहते हैं कि 14 अगस्त हम मनाते हैं तो 15 अगस्त इंडिया मनाता है। तो उनका तो ये ना कि दोनों पे देखें कि एक ही वक्त आज़ाद हुए थे, एक ही टाइम, एक ही मतलब के पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलहदा हुआ था, अलहदा ही हुआ था ना, आज़ाद ही हो गया थे जब 1958 में। अच्छा, इस बात की चिड़ जो पूरे इंडिया को है, लोग सारा ना वो भी ये कहते हैं, वो भी इस बात से बहुत चिढ़ते हैं और ये कहते हैं कि आप अलहदा हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ादी हमने हासिल की थी। और यार चले आपने यार, आपको अंग्रेजों ने इतना मारा था ना, आपको उन्हें जो 1858 की जो जंग आज़ादी, उसमें मुसलमान भी पीटे थे और जो मुसलमान सब इकट्ठे थे, काम थी वो डट जाते थे, जो हिंदू थे उनके लिए याद हुआ था कि वो बहादुर थे, भाग जाते थे, बहादुर थे, मुसलमान अपना जो है ना मर जाते थे लेकिन उस जगह से भागते नहीं। यार मुझे ना यार इस तरह फिर क्या मेरा को बीपी हाई कर देते हो, फिर शापर छोड़ना शुरू कर देते हो, शापर छोड़ना, वो जो भी बात करेंगे आप उसको सच मानेंगे। और हम मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि इंडिया या हिंदू या मुस्लिम, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमान 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 मुसलमान, ये तो हमारा राग है। अच्छा। इंडिया में कभी देखा हिंदू मुसलमान? तो वो क्या है वहां पर यार, आप उसकी गहराई तक जाए ना इंडिया की, कहा मैं गोता लगाऊं, बताओ कुछ खाई में गोता लगाओ। आप इंटरनेशनल न्यूज की जो है ना न्यूज चैनल पर जाए, उसकी रिपोर्ट्स पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि एक ही दिन में मुसलमानों के साथ पूरे इंडिया के किसी किसी मत के इलाके में कोने भाई बात ये है, जुलम होता है भाई। आज 2023 में 28 मई को भी देख लेना तो छोड़ शुरू कर देते छोड़ना। बात यह है कि आप अगर उसको अपना बाप मानते हैं तो आप बुरे हैं, इसका मतलब बाप की तरबियत में फर्क रह गया। ये तो आप सिंपली सी या जिस तरह की बात होती है उसकी बात आप अगर करना भी है काउंटर, ये कहें भाई अगर हम बुरे बेटे हैं तो हमारा बाप इंडिया है तो इसकी परवरिश में कमी है इंडिया का, दादा फिर अंग्रेज ही है ना दादे इनके इंडिया के, वो कैसे बाप? अब चलो कह रहे कि आप वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान का बाप और इंडिया का भी तो अगर दादा होगा ये बाप से पैदा ना हो गया थोड़ा कोई हो जाए। अच्छा, इस बात पर ना वो जो आलोक सर है ना वो भी बड़ा इसरार कर हर वीडियो में तकरीबन करते हैं, हर दूसरी तीसरी वीडियो में उनका ये कहना होता है पाकिस्तान पैदा हुआ था। यार इससे फर्क क्या पड़ता है? झूठ बकवास नहीं करनी, आप पर्सनली हिट नहीं करनी, पर्सनली हिट नहीं करनी, आप राय और यार राय का डिफरेंस हो सकता है, आप राय को डिफरेंट कह सकते हैं लेकिन पर्सनली हिट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी नहीं ऐसा करेंगे, मैं आपको ये अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ आप इस तरह आइंदा नहीं करेंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान एक समझे बेटा है और इंडिया समझे बाप, इससे ना कहने से फर्क पड़ जाता है। तो अगर पाकिस्तानी लोग बुरे हैं तो इसका मतलब सारा दारोमदार बाप पर जाता है, बाप ने सेतन तबीयत ने की तो अभी कहते हैं आप हमारी वीडियो से लगी होगी, वीडियो से लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।